तो इस वीडियो में हम देखने वाले इन्फिनिक्स हॉट 8 का वाटर टेस्ट। इसे हम वाटर में डंक करने वाले हैं, थोड़ी देर 1 मिनट रखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये वाटर को कैसे हैंडल कर लेते हैं। वैसे कोई भी आईपी रेटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता, पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि अगर ये पानी में गिर जाता है बाई मिस्टेक या पानी बारिश हो रही है तो कैसा सर्वाइव करता है कि नहीं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और एक वार्निंग पहले दे दो यार, प्लीज़ घर पर ट्राई मत करके रखना, और कमेंट सेक्शन में फिर मत भर देना कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, ये कुछ हो गया। तो ये जो टेस्ट है सिर्फ साइंस के लिए, घर पे बिल्कुल भी ट्राई करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ वन इन वन टेस्ट है। मैं एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ, आप बस एंजॉय करिएगा, देखिएगा फोन सर्वाइव हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या सामान है मेरे पास। सबसे पहले तो इन्फिनिक्स हॉट 8 है, देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 यहाँ पे बिल्कुल अच्छे वर्किंग कंडीशन में है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। और ये ग्लास बाउल जो है मैंने मम्मी से उधार लिया है, वीडियो के बाद लौटाना है। और ये मेरा फ़ोन है जो टाइमर के लिए काम करेगा, और एक लीटर का वाटर बॉटल, और इसे पोंछने के लिए टॉवल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइमर्स पहले पानी भर देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने पानी भर दिया है, ये मैंने 1 लीटर पानी भर दिया है। ठीक है, और फ़ोन जो है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, आप देख सकते हैं सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। इसे एट काउंट ऑफ 1 2 3 पानी में डालेंगे। केस मैंने डाल रखा है क्योंकि यार केस के साथ ही पानी में गिरता है, अगर आप केस यूज़ कर रहे हो तो, और ये केस फ्री में मिलता है उसके साथ, तो उसके इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। जब भी फ्री में केस मिलता है मैं केस यूज़ करता हूँ। ठीक है, और एट काउंट ऑफ 1 2 3 मैं इसे स्टार्ट करूँगा। 1 2 एक सेकेंड ऑन कर देता हूँ। 1 2 3 और मैं एक बार बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है फ़ोन के साथ। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये जो फ़ोन है, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्नैपी है। 4GB रैम दे रखा है आपके लिए, और 64GB का स्टोरेज है। इस 7000 रुपये में 64GB स्टोरेज मिलना काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। और फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि इट्स लुकिंग लाइक ए वेरी गुड डिवाइस। फुल रिव्यू के लिए आप वेट करना। ठीक है, और 36 सेकेंड्स पार हो चुका है। 1 मिनट एक काफ़ी सही टाइम होता है, 1 मिनट में अगर आप स्विमिंग पूल से भी निकाल लोगे तो काफ़ी सही टाइम रहेगा। देखते हैं कि कैसा सर्वाइव करता है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैंने इसे हटाया, शेक किया, बबल्स आ नहीं रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इट लुक्स लाइक ए वेल कंस्ट्रक्टेड डिवाइस। ठीक है, हाथ में भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इसे मैं कर देता हूँ स्टॉप, और इसे उठाता हूँ और अच्छे तरीके से पोंछ लेता हूँ। ठीक है, पोंछना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम फ़ोन को पानी से निकालते हैं और जैसे भी हो, तो पोंछना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं केस को हटाता हूँ और इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से पोंछ लिया। अभी स्पीकर पोर्ट से, पोर्ट वगैरह से पानी निकाल रहा हूँ। बस ठीक है, अब ऑन करते हैं। फेस अनलॉक वर्किंग, फेस अनलॉक वर्क कर रहा है। और थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। टच रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ, कोई फॉगिनेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इट लुक्स नाइस। ये कैमरा ही ऐसा है, आपको मैं फुल रिव्यू में बताऊँगा। ठीक है, और रियर कैमरा जो है, एक फ़ोटो ले लेता हूँ। रियर कैमरा इसका बढ़िया है, देखो स्पॉइलर अलर्ट, रियर कैमरा इसका बहुत बढ़िया है। और शटर, वो क्या बात थी, क्या आवाज़ मारा इसने। और आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ जो है काफ़ी डिटेल निकल के आती है वेल लाइटिंग कंडीशंस में, और फ़ोटो काफ़ी डिटेल निकल के आई है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है तो यूट्यूब खोलेंगे। नॉट नाउ, हमें अपडेट करना नहीं है। NCS या JT जोन सुनाता हूँ आपको, NCS से ज़्यादा JT जोन्स का। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, क्या पता NCS वाले भी स्ट्राइक दे दें। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन बोल के बोर्ड नहीं करूंगा, बस एक बार बताऊंगा, इस पे हम बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग
स्पीकर जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, आप देख सकते हैं कि कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, तो इट हैज़ पास द टेस्ट यार, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, फ्लैश लाइट जो है वो भी बढ़िया काम कर रहा है, ये देखिए फ्लैश लाइट सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, फ्लैश लाइट वगैरह जो भी हो फ्लैश लाइट। इसमें एक और ऑप्शन है जो आपको जाना है 360 फ्लैश लाइट, इन सब के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, तो दिस फोन हैज़ पास द वाटर टेस्ट। 1 मिनट 40 सेकेंड्स मैंने पानी में रखा है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इस बिल्ट में दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एनीथिंग, दिस फोन हैज़ पास्ड द वाटर टेस्ट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो यू कैन यूज़ इट इन रेन, मतलब थोड़ा सा बच सकता है आपका फ़ोन, स्विमिंग पूल का गारंटी नहीं देता पर रेन वगैरह में, और अगर तुरंत 1 मिनट के अंदर पहुँच लोगे तो आपका फ़ोन बच जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना आप सरप्राइज हो उतना मैं ही सरप्राइज हूँ, क्योंकि ये जो फोन है इसने वाटर टेस्ट को पार कर लिया। आपने लाइव वीडियो में देखा होगा 1 मिनट 40 मिलीसेकंड्स हमने पानी के अंदर रखा, उसके बाद भी स्पीकर बढ़िया काम कर रहा है, कैमरास बढ़िया काम कर रहे हैं, रियर कैमरा बढ़िया काम कर रहा है, फ्लैश बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। तो दिस लुक्स लाइक अ वेल कंस्ट्रक्टेड डिवाइस। तो अगर आपको बारिश में यूज करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर ये एक बात है, ये टेस्ट को घर पे प्लीज ट्राई करके मत देखना, फिर कमेंट्स में मत लिखना कि जोन्स भाई मेरा फोन खराब हो गया। और जोन्स भाई कहते नहीं हो, मैं वीडियो को फैमिली फ्रेंडली बोलने के लिए जोन्स भाई कह रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।